Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी शाही टुकड़ा स्वीट रेसिपी है। ये स्वीट हमारे और स्वीट रेसिपी से अलग हटके और मजे के बनते हैं। ये काफ़ी रिच और टेस्टी स्वीट रेसिपी है। इसको बनाने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगी। आप उसी तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपका भी उसी शाही नवाबों वाला शाही टुकड़ा बनकर तैयार होगा। तो आइए बिना देर किए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। और चाशनी के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम हमने शक्कर लिया है। ये मोटी शक्कर है जो रेगुलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमें 1 कप पानी डाल देना है। और खुशबू के लिए हम यहाँ पे 2 छोटी इलायची डालेंगे, हरी इलायची जिसको कहते हैं। और इनके साथ 1 चुटकी हम पिसा हुआ हरी इलायची डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। और इनके साथ हमें गैस का फ्लेम हमें ऑन कर लेना है और शक्कर को घुलने तक हमें इसको बराबर चलाते हुए एक चाशनी तैयार कर लेनी है। और एक अच्छी खुशबू और कलर के लिए हमने यहाँ पे केसर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है हमारे शाही टुकड़े का। तो यहाँ पे हमने केसर भिंगा लिया है दूध में, उसे डाल देंगे। और इनके साथ हमें 1 पिंच हमने इसमें फूड कलर भी लिया है ताकि कलर बहुत ही अच्छा आए। वन फोर्थ स्पून हमने इसमें कलर लिया है फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं चाशनी में आप ना डालें, केसर है केसर आप डाल दें, एक लाइट येलो कलर आएगा उसमें केसर से और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी आपकी चाशनी की। तो ये यहाँ पे हमारा चाशनी तैयार हो रहा है। शाही टुकड़ा है, शाही टुकड़े में हमें रबड़ी की जरूरत है तो रबड़ी हम तैयार करेंगे घर पर। तो इसे हमें दूसरे साइड में हम रख लेंगे पकने के लिए। चाशनी हमारा उधर तैयार हो रहा है, दूसरा पैन हम देख ले लेंगे। बीच बीच में हमें इसे चला लेना है ताकि ये हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे तली पे हमारे ये लगे ना। रबड़ी बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है। आप जिस भी क्वांटिटी में बना रहे हैं, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो रबड़ी की मात्रा आप ज्यादा बनाएंगे। हमने यहाँ 500 ml दूध लिया है। 500 ml में हमें 400 ग्राम शक्कर डालना है। शक्कर आप अपनी पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डालेंगे। और शक्कर को हमें मेल्ट कर लेना है अच्छे से। और फटाफट रबड़ी बनाने के लिए दूध हमें, अगर आप दूध से रबड़ी बना रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में आपको दूध लेना पड़ेगा। 2 से 3 लीटर आप दूध लेंगे, उसको आप ड्राई करते करते आप उसको 1/2 लीटर या 1 लीटर करेंगे तब आपकी रबड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको फटाफट बनाना है और कम वक्त है आपके पास तो दूध ले लेंगे, दूध में इस तरह से शक्कर डाल लेंगे। और हमने यहाँ पे खोए का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा ये रबड़ी दानेदार बने और बहुत ही अच्छा बने। हमने यहाँ पे 300 ग्राम खोया लिया है ताकि दूध हमारा ये गाढ़ा भी हो जाएगा और रबड़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। आप चाहे तो इसमें, अगर आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ताजे ब्रेड क्रम्स 2 या 3 ले लें और मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस करके इसमें डाल लें, इससे भी फटाफट बन जाता है ये रबड़ी। और चाशनी भी हमारी ये तैयार हो रही है। पांच से दस मिनट में ये हमारा रबड़ी भी तैयार हो जाएगा और 8 से 10 मिनट में ये हमारा चाशनी भी तैयार हो जाएगा। चाशनी हमको ज्यादा
एक तार की नहीं करनी है, हल्का शक्कर मेल्ट हो जाए हमारा और फिर हम इसे बंद कर देंगे। अभी थोड़ा अभी हमें और पकाना है इसको। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। 8 से 10 मिनट हमारी ये चाशनी पककर तैयार हो गई है और रबड़ी भी हमारी तैयार होने वाली है। थोड़ा और इसको गाढ़ा हमें करना है। अब इस स्टेज पे हमें इसमें एक से दो चुटकी हमें इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल देना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना फटाफट कम टाइम में, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दूध लेते हैं तो वक्त भी काफ़ी लगता है आपका, इसलिए कम दूध में और खोया डाल के हम इसको गाढ़ा भी कर लिए हैं और हमारा ये रबड़ी भी बनकर तैयार हो रहा है। अब इस स्टेज पे हमें गैस बंद कर देना है और इसे हमें इतना गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा भी नहीं रखना है क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी, ये और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इसे हमें एक किनारे रख लेना है। रबड़ी हमारी तैयार हो गई है और चाशनी हमारा तैयार हो गया है। अब इस रबड़ी में हमने यहाँ केवड़ा वाटर लिया है, अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप इसमें गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आए और इसी तरह से 1 चम्मच हम इसमें चाशनी में डाल देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे इन्हें साइड में कर देंगे। अब हमें ब्रेड ले लेना है। हमने यहाँ पे 12 ब्रेड की स्लाइस लिया है, वाइट ब्रेड है। अगर आपके पास बिना कटी हुई ब्रेड मिलती है तो आप वो लें, वो बहुत ही अच्छा उससे बनता है। उससे आपका जो पीसेस है, शाही टुकड़े का जो पीस है, आप अपनी अपने पसंद के हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कटी हुई ब्रेड लिया है, वो हमें नहीं मिला है तो हमने इसे कटी हुई ब्रेड ले लिया है, इस तरह से स्लाइस वाली ब्रेड। इनके किनारों को हमें निकाल लेना है। इस तरह से हमें, आप अपनी पसंद का आकार रख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्वायर में बना सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल शेप में ज्यादातर आपको कहीं भी आप जाएं तो ट्रायंगल शेप में ही आपको ज्यादातर शाही टुकड़े देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे ताकि फटाफट हो जाए हमारा। इस तरह से ये हमारे ब्रेड कट गए हैं, बाकी के भी ब्रेड हम इसी तरह से काट लेंगे। ब्रेड के सारे पीसेस हमारे कट गए हैं, अब इन्हें हमें देसी घी में गोल्डन ब्राउन कर करके तल लेना है। तो इस तरह से हमें ज्यादा इसको कलर नहीं देना है और इसी स्टेज पे हमें निकाल लेना है। इस तरह से बाकी के सारे हमें ब्रेड तल लेने हैं और लाइट गोल्डन कलर देना है हमें, ज्यादा कलर इसको नहीं करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हम ये कलर करेंगे, बाकी के सारे ब्रेड इसी तरह हम से तल कर निकाल लेंगे। ब्रेड हमारे सारे देसी घी में तल गए हैं, अब इसकी हमें लेयर तैयार कर लेनी है और लेयर तैयार करने के लिए हमें ये ब्रेड ले लेना है जो तली हुई ब्रेड है और इसको इस तरह से चाशनी में डिप करेंगे और टिप करने के बाद हमें एक एक लेयर इसकी लगाते जानी है और चाशनी में हमें इसको डिप करते जाना है। अब इसके ऊपर हमें जो रबड़ी हमने बना के रखा है वो डाल देंगे। देखिए रबड़ी हमारी थोड़ी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो गई है, इसलिए रबड़ी जब आप बना रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें
कि थोड़ा पतले ही इस पे आप उसको गैस का फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि थोड़ा ठंडे होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। अब हमें दूसरा लेयर लगा लेना है, और दूसरे लेयर के लिए भी हमें इस तरह से चाशनी में डाल लेंगे और एक एक करके हमें इसको फिर इसके ऊपर अरेंज कर लेना है। इस तरह से लगाते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी तीन लेयर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर ये जो बचा हुआ है हमारा रबड़ी, ये डाल लेंगे। इसमें हमें इलायची का पाउडर डाल देना है ताकि एक अच्छी खुशबू आए हम इसमें। और इसमें हमें ड्राई फ्रूट डाल देना है। ड्राई फ्रूट में आपको जो पसंद है वैसे पिस्ता ज्यादा आप डालें, क्योंकि पिस्ता इसमें कलर बहुत ही अच्छा लगता है। पिस्ता है, बादाम है, आप डाल सकते हैं। अगर बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं पसंद करते हैं, आप चाहें तो जब आप रबड़ी बना रहे हैं तो उसमें मिक्सी ग्राइंडर में पीस करके आप वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। बच्चे खा भी लेंगे और उन्हें न्यूट्रिशन भी पहुंच जाएगा। इस तरह से ये हमारा लास्ट लेयर तैयार हो गई है। अब इसमें हमें चांदी का वर्क लगा देना है, क्योंकि ये शाही टुकड़ा है तो शाही अंदाज में हम इसको सर्व करेंगे। तो चांदी का वर्क लगा देंगे तो इसकी रौनक और बढ़ जाएगी। इस तरह से मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप इसे जरूर लें। मिठाई पे आपने अक्सर देखा होगा, मिठाइयों पे इस तरह से चांदी का वर्क लगाते हैं। इस तरह से ये हमारा शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो गया है, और देखिए फटाफट बनकर ये तैयार हुआ है। शाही टुकड़ा हमारा तैयार है। आप भी अपने अपनों के लिए, दोस्तों के लिए जरूर ट्राई करें। इसकी एक एक बाइट आपको शाही स्वीट का मज़ा देगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.